हर एक की ख्वाहिश होती कि एक अच्छा मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब हो, लेकिन एक ऐसी चार्टर्ड अकाउंटेंट शख्सियत भी है जिन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी का जॉब छोड़कर गरीब बच्चों को झोपड़पट्टी और बदनाम जगह जाके पढ़ाने का अमूल्य कार्य आरंभ संस्था के माध्यम से हाथ लिया है और उन्हें सक्षम बना के इन बच्चों की जिंदगी में एक नई रोशनी ला रही है। वो है 60 वर्षीय समाज सेविका शोभा मूर्ति। पिछले 21 सालों से यह समाज कार्य शुरू है। आज वह बच्चे दुबई जैसे शहर में अच्छे जॉब कर रहे हैं। आज की तारीख में 1976 बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। खास तौर पर फिजिकली चैलेंज बच्चों को शिक्षा, आधुनिकता के तौर पर कंप्यूटर, अंग्रेजी की जानकारी देना, गरीब बच्चों के लिए किए हुए शोभा मूर्ति के इस कार्य को नवी मुंबई आवाज सलाम करती है और उन्हें नवी मुंबई आवाज अचीवर्स सिटी आइकॉन ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। जो मेरी बहुत ही पर्सनल फेवरेट रही है, बहुत शुरुआत से जब मैंने जर्नलिज्म शुरू किया था और मेरे लिए बहुत बड़ी एक प्रेरणा थी, वो श्रीमती शोभा मूर्ति, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी है नवी मुंबई के लिए, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्लम एरियाज के। उनके लिए सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएंगी। कैन वी हैव द एवी प्लीज़, श्रीमती शोभा मूर्ति, सिटी आइकॉन ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। मैं महापौर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि उन्हें ये अवार्ड प्रदान करें। मेरा नाम शोभा मूर्ति है और मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने 12-14 साल कॉरपोरेट सेक्टर में काम किया है और तभी मुझे ऐसे महसूस हुआ कि हम हमारा एजुकेशन और अपना टैलेंट सब कॉरपोरेट्स को अपना प्रॉफिट कमाने में ही हम लगा रहे हैं। तो मुझे लगा वही एजुकेशन और वही मेरा टैलेंट मैं ऐसे जो अनडिजर्विंग और अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनके लिए कुछ किया तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैंने मेरा जॉब छोड़ दिया और मैंने सोशल वर्क में फुल टाइम स्टार्ट किया और फ्रेंड्स के साथ मिलके हमने ऐसे एनजीओ चालू किया जिसका नाम आरंभ है और वो आरंभ का फोकस एजुकेशन ही है एंड वो भी माइग्रेंट बच्चों के साथ जो पेरेंट्स बाहर से आते हैं। उनके पेरेंट्स का तो पूरा हरी होता है कि जॉब उनको काम लग जाए और अपना फैमिली को संभाले, तो एजुकेशन उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहता। तो ऐसे लोगों के साथ काम करना मुझे बहुत पसंद आया और हमने चालू किया 1997 में तुर्बे स्टोर स्लम कम्युनिटी में और तभी हमको बताया गया कि ये सबसे बड़ा स्लम है और उस टाइम ऑलमोस्ट 7000 बच्चे ऐसे स्कूल के बाहर थे। तो हमारा उस टाइम वो ऑब्जेक्टिव ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में लाएं। तो हम डे एंड नाइट सर्वे करते थे कम्युनिटी में और पेरेंट्स को मिलके उनको समझाना कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है और एजुकेशन से बच्चा क्या बन सकता है और उसका लाइफ कैसे बदल सकता है। तो पहले पेरेंट्स बहुत रेजिस्ट करते थे कि ये बच्चा पढ़ के क्या करेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे बच्चे जमा हो गए और हमने उनको रात तक पढ़ाते थे, जो पेरेंट्स उनको लेके जाते थे बाहर काम पे तो शाम को आते थे तब 2 घंटा उनको पढ़ाते, तो धीरे धीरे बच्चों का रिस्पांस अच्छा होने लगा एंड स्कूल में जाने लगे। तब हमको लगा कि यही काम हम और बेहतर कर सकें अगर हम और भी स्लम एरियाज ले लें। तो आज के दिन में हम 6 स्लम कम्युनिटीज़ में काम करते हैं। हमारे पास 1760 बच्चे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहले जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, 12-13 साल के बच्चे को पढ़ना नहीं आता था, आज वो बच्चे स्कूल कंप्लीट करके कॉलेज कंप्लीट किया है, अच्छे जॉब्स में लगे हैं। तब ऐसा लगता है कि ये स्ट्रगल वॉज वर्थ इट कि बच्चों का लाइफ, एक बच्चे का भी लाइफ हमने बदला, तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए भी और वो बच्चे के लिए।
मुझे क्या लगता है कि एक इंडिया जैसा कंट्री में जहाँ इतना सारा इलिटरेसी है, तो मैं समझती हूँ कि हर एजुकेटेड व्यक्ति का थोड़ा ना थोड़ा जिम्मेदारी होता है कि हम कुछ अवेयरनेस क्रिएट करें, और कम से कम एक बच्चे को हमने संभाला, उसको आगे जाने दिया, उसको हेल्प किया, सपोर्ट किया, तो बहुत कम समय में हम बड़ा तरक्की देख सकते हैं देश में। तो ये सिर्फ एनजीओस का काम या गवर्नमेंट का काम न होते हुए मुझे लग रहा है एक सोशल मूवमेंट होना चाहिए, स्पेशली यूथ में, कि वो भी कुछ करे ऐसे समस्या को दूर करने।